Dear students of class 6, today we'll start exercise 5.6. हम 5.6 के में बहुत स्वास्थ्य है, यहाँ पे एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम्स भी बहुत स्वास्थ्य है, इसलिए बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद भी देखेंगे तो समझ सकते हैं. स्टिल लेट मी टेल यू, नेम द टाइप्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. ए ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 है, इसमें देखिए पूछा है ये किस तरह का ट्राइंगल है. एक साइड 6 सेंटीमीटर है, दूसरा 7 है, तीसरा 8 है, यानी कि सभी साइड अनइक्वल है. तो अनइक्वल होगा तो कौन सा ट्राइंगल होगा? स्केलेन ट्राइंगल, SCALENE, स्केलेन ट्राइंगल. दूसरा ट्राइंगल ABC सच दैट AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. इसमें क्या कह रहा है कि तीनों साइड AB, BC और CA तीनों 6 सेंटीमीटर है. अगर तीनों 6 सेंटीमीटर है तो इक्वल है, यानी कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल. क्या हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? कौन का 3 में? ट्राइंगल PQR सच दैट PR इक्वल्स टू 5 एंड PR इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू PR एंड QR इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. मतलब PQR PR दोनों 5 सेंटीमीटर है, तो दो साइड बराबर है, तो क्या होगा? आइसोसेलस ट्राइंगल. आइसोसेलस ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोलता है? नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स. इसमें क्या है? एक ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री है. अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ये क्या कहलाएगा? राइट ट्राइंगल. राइट, ये ट्राइंगल पढ़ते हैं इसको सिंबॉलिकली, ठीक है? राइट ट्राइंगल. उसमें इसमें देखिए एक एंगल क्यू 135 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. और तीसरा देखिए, तीसरा में तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री है, मतलब एक्यूट है, तो ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स. एक स्केलेन एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है. एक ट्राइंगल बनाना है जो स्केलेन भी हो और एक्यूट एंगल भी हो. तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये रफली हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक कोई भी साइड ले लेंगे, अब इसको ले लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाएंगे कि इससे ये बड़ा हो, और इसको ज्वाइन करेंगे. आपको देखने से लगता है कि ये सबसे छोटा है, उसके बाद ये छोटा है, उसके बाद ये है. ये क्या हो गया? एक्यूट, ये कहाँ है? स्केलेन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. इसका सारा एंगल एक्यूट है, सारा एंगल एक्यूट है. अगर आपको लगता है कि राइट एंगल है तो वो आप देख लो, इसको और थोड़ा छोटा कर दो, इसको और थोड़ा छोटा कर दो, या थोड़ा सा छोटा कर दो इसको, ठीक है? ये राइट नहीं होना चाहिए, याद रखिए कि 90 डिग्री नहीं हो, ठीक है? तो ये एक्यूट स्केलेन ट्राइंगल हो जाएगा. उसके बाद स्केलेन राइट एंगल ट्राइंगल. दूसरा क्या बोला है? ये स्केलेन राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग इस तरह से ले लेंगे. ये देखिए, इसको छोटा बनाएंगे, इसको बड़ा. ये 90 डिग्री है, तो ये सबसे बड़ा है, ये उसके बाद है, उसके बाद ये. तो ये कौन सा है? ये है आपको नंबर 1, ये नंबर 2. नंबर 1 में क्या है? स्केलेन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. स्केलेन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल ये स्केलेन राइट ट्राइंगल. और थर्ड में क्या बोला है? आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोसेलस, ये आइसोसेलस होना चाहिए. तो आइसोसेलस होने के लिए ये साइड और ये साइड, मैं दोनों बराबर ले लिया, ये और ये बराबर है, याद रखिए ये दोनों बराबर, और ये 90 डिग्री, और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आइसोसेलस राइट ट्राइंगल, ठीक है? इसमें ये और ये बराबर होगा. मेजर करिए, लाइन खींचिए, या 90 डिग्री बना के ये और ये बराबर कर दीजिए, उसको ज्वाइन कर दीजिए, बन जाएगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है आपको? 4 में कहा है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए ट्राइंगल हुज टू विथ टू राइट एंगल्स. क्या दो एंगल राइट हो सकता है? नहीं,
क्यों? क्योंकि दो राइट होगा तो दोनों मिला के 180 हो जाएगा, थर्ड एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग लिखेंगे नो. क्यों? तो रीजन दे देंगे, बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री एंड the third angle will not exist. थर्ड एंगल बनेगा ही नहीं, थर्ड एंगल नहीं बनेगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, तीन एंगल होना मस्ट है. इज इट पॉसिबल टू स्केच एन ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल? ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं, ऐसी नहीं हो सकता. जब ही ऑब्ट्यूज होगा, जैसे मान लीजिए हमने ये 4:1, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो एक एंगल 90 से ऑब्ट्यूज एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल जब भी ऑब्ट्यूज होगा तो दूसरा जो है वो उसके बराबर नहीं हो सकता, तो इसमें भी नो होगा. तीसरा क्या बोला है? कैन यू मेक ए ट्राइंगल विथ 5 मैच स्टिक्स? बोला है क्या आप, कैन यू मेक ए ट्राइंगल विथ 5 मैच स्टिक्स? 5 मैच स्टिक से एक ट्राइंगल बना सकते हैं? 5 मैच स्टिक, मान लो हम लोग मैच स्टिक तो इक्वल साइज का होता है, तो मान लो हम लोग ऐसी कर लेते हैं कि एक मैच स्टिक यहाँ जोड़ लिए, दूसरा यहाँ जोड़ लिए, अब तीसरा अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ इस तरह से, इसका होना चाहिए, ठीक है, और ये अगर इसके बराबर हो, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन सकता है. कितना हुआ? 4 हुआ ना, 5 होना चाहिए, सॉरी 5 होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 ही हुआ, 5 होना चाहिए. तो 5 से कैसे बना सकते हैं हम लोग 3, 5 का, मान लो एक मैच स्टिक, हम लोग 2 मैच स्टिक ले लिए, हम लोग मान लो दूसरा भी ऐसी ले लेंगे हम लोग, 5 है ना, तो इस तरह से करेंगे, ये दूसरा ये और तीसरा, 1, 2, 3, 4 ये वाला इसके बराबर होना चाहिए. मतलब अगर मान लो ये 2 है, ये 2 है और ये 1, तो 2+2, 4 > 1, 1+2, 3 > 2, हम इस तरह से इसको एडजस्ट करके बना सकते हैं, 2 साइड 2 और 1 साइड 1 लेके आइसोसेलस ट्रायंगल बनेगा, तो ये बन सकता है. कितना हो गया ये? 1, 2, 3, 4 और 1, 5, तो ये यस हो गया. क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साइड को जोड़ेंगे तो 4 होगा, इससे बड़ा होगा, ये 2 साइड को जोड़ेंगे तो 3 होगा, ठीक है, इससे बड़ा होगा, और ये 2 साइड को जोड़ेंगे तो 3 होगा, इससे बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ एनी 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो इसमें भी ऐसी ट्राइंगल बन सकता है. ओके, तो हम लोग ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म कर लिए, अगले दिन हम लोग क्वाड्रिलेटरल अगला स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे. ओके, थैंक यू.